नारुतो एक ऐसा एनिमे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है और इंडिया में नारुतो का एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है। और आज के इस वीडियो में आप सभी जानोगे नारुतो के एनिमे से रिलेटेड टॉप 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें शायद आप सभी नहीं जानते होंगे। तो कैसे हो आप सभी? सो गाइस, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यार अब बिना टाइम वेस्ट किए चल अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। थिंग नंबर 5, द रियल कलर ऑफ रासेनगन एंड रासेन शुरिकेन। वेल, अगर हम एनिमे के बारे में बात करें तो नारुतो के इन दोनों ही स्ट्रॉन्ग जुत्सु रासेनगन और रासेन शुरिकेन दोनों का ही कलर एनिमे के अंदर ब्लू है। बट अगर हम मांगा के बारे में बात करें तो मांगा में इन दोनों ही जुत्सुओं का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है। मांगा के अंदर रासेनगन का रियल कलर येलो है और वहीं रासेन शुरिकेन का रियल कलर ऑरेंज है। थिंग नंबर 4, ब्याकुगन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। नारुतो के एनिमे में दिखाया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग विजुअल जुत्सु ब्याकुगन रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। मासाशी किशिमोतो जो कि नारुतो के मांगा राइटर हैं, उन्हें ब्याकुगन की इंस्पिरेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा सिटी पर एटॉमिक बॉम्ब अटैक के विक्टिम्स से मिली। हिरोशिमा सिटी में एटॉमिक बॉम्ब अटैक हो जाने के बाद वहां के लोगों ने अपनी आई साइट यानी कि आंखों की रोशनी खो दी थी और उनकी आंखों का कलर व्हाइट हो गया था, और इसीलिए किशिमोतो सेंसेई ने उन सभी लोगों से इंस्पायर होके ब्याकुगान नाम के एक ऐसे विजुअल जुत्सु को क्रिएट किया जिससे हजारों किलोमीटर की रेंज में भी देखा जा सके। और ये एक तरह का ट्रिब्यूट था उन सभी लोगों को जो कि एटॉमिक बॉम्ब अटैक का शिकार हुए थे। थिंग नंबर 3, नेजी'स फोरहेड मार्क इज डिफरेंट इन मांगा। नारुतो की मांगा के अंदर नेजी योगा के फोरहेड पर जो मार्क है वो एनिमे में दिखाए गए मार्क से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मांगा में नेजी के फोरहेड पर जो मार्क है वो देखने में बिल्कुल हिंदू धर्म के स्वास्तिक या फिर बौद्ध धर्म के मांझी जैसा लगता है। यहाँ तक कि इसे नाजीज के सिंबल से भी रिलेट किया जाता है। लेकिन जब नारुतो की मांगा का एनिमे अडेप्टेशन हुआ था तो उस दौरान नेजी के फोरहेड पर इस मार्क को चेंज करके इसे एक एक्स मार्क बना दिया गया था। थिंग नंबर 2, द प्लॉट वॉज चेंज्ड इन नारुतो शिपुडेन। वैसे तो हम सभी ने नारुतो शिपुडेन में देखा ही है कि काकाशी को शारिंगान ओबीटो ने दिया था, बट इसके पहले नारुतो एनिमे का प्लॉट कुछ और ही होने वाला था। अगर आप सभी नारुतो के एनिमे में जाके उस फोटो को देखोगे जिसमें मिनाटो, ओबीटो और रिन काकाशी के साथ हैं, तो उस फोटो में ओबीटो और रिन इन दोनों ही कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ओबीटो और रिन इस एनिमे के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं होने वाले थे। लेकिन बाद में जब मासाशी किशिमोटो ने नारुतो शिपुडेन को लिखा तब उन्होंने उनके कैरेक्टर डिजाइन चेंज कर दिए थे। थिंग नंबर 1, ड्रैगन बॉल रेफरेंस इन नारुतो। नारुतो के एनिमे में ड्रैगन बॉल से रिलेटेड 3 रेफरेंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला रेफरेंस ये है कि नारुतो शिपुडेन में दिखाए जाने वाले फोर टेल्ड बीस का नाम सन गोकू रखा गया, जो कि ड्रैगन बॉल के मेन कैरेक्टर गोकू से ही इंस्पायर्ड है। और उस फोर टेल्ड बीस का कैरेक्टर डिजाइन भी गोकू की ओजारू फॉर्म या फिर जिसे ग्रेट एप फॉर्म भी कहते हैं उसी से इंस्पायर्ड था। और दूसरा रेफरेंस ये है कि उस फोर टेल्ड बीस की जिनचोरी की होस्ट का नाम रोशी है, जो कि ड्रैगन बॉल के ही कैरेक्टर मास्टर रोशी से इंस्पायर्ड है। और ड्रैगन बॉल से रिलेटेड तीसरा और आखिरी रेफरेंस ये है कि आप सभी नारुतो की मांगा में ड्रैगन बॉल के ही एक कैरेक्टर चियात्सु का फेस मास्क बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी पसंद आया होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने हर एक एनिमे लवर फ्रेंड के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको एनिमे से रिलेटेड मीम्स और रिव्यूज वगैरह देखने को मिलेंगी जिन्हें मैं खुद ही एडिट करता हूँ। तो गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।